ये संक्षिप्त किया हुआ सुंदरकांड पाठ किसी बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है। बस इस पाठ को करते समय ये देखना है कि आप उस जगह से उठे नहीं और एक जगह पे बैठ के ही इस पाठ को करें। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष के धाम, परम शांतिदायक गोस्वामी सर्वव्यापक श्री राम, सेवक ब्रह्मा शंभु शेष आदि तुम ही आठो याम, मानव रूप में दिखते हो जो है माया का काम, हे रघुबर निरीक्षणो वेदांत बिखाने नाम, जगदीश्वर करुणा कर भगवान तुम्हें मेरा प्रणाम। सत्य कहूँ मेरी अंतरात्मा आप ही हैं भगवान, मुक्ति दो काम आदि रोग से भक्ति करो प्रदान, ज्ञान हो अतुलित बल के और देह समेरु समान, देते रूपी बंधन करो अग्नि रूप महान, ज्ञानियों में सबसे आगे कपि श्रेष्ठ गुरुओं के निधान, नमन करूँ तुम्हें राम भक्त पवन पुत्र हनुमान। जामवंत के वचन सुन मुदित हुए हनुमान, सीता जी की खोज में तुरंत किया प्रस्थान, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, ले रसायन राम का कर जोड़ी कंधे पर गदाधर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। मार्ग में सुरसा मिली चतुराई से उसको पछाड़ा, लंकनी हो या निशाचर कपि ने उनको भी संघारा, रात भर में सारी लंका छान ली घर घर में जाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। सारी लंका सोई थी पर एक घर जागा हुआ था, कोई प्रभु श्री राम के गुणगान में लगा हुआ था, हो गए हनुमान गदगद, हो गए हनुमान गदगद, राम का एक भक्त पाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। जानकर सिया का पता हनुमान चले उस वाटिका को, देखकर पाषाण सी निष्कान सी माता सिया को, डाल दी प्रभु मुद्रिका फिर नमन की मुद्रा बढ़ाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। मुद्रिका पहचान सिया ने नैन ऊपर को उठाए, फिर कपि लघु रूप धर माता सिया मुख आए, चरणों में की वंदना छलकी नैन से अश्रु गागर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। पाकर प्रभु का दूत कपि को सीता ने आशीष दीना, रहो सदा तुम अजर अमर कैशील बलवान कीना, हो गए कृतकृत हनुमान माता सिया से ये वरदान पाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। भूख से व्याकुल हुए तो युक्ति कपि ने ये निकाली, खाके फल तरुओं से फल सारे वाटिका ही उजाड़ डाली, बन गए रावण के बंदी अपनी ये लीला दिखाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। सामने रावण के कपि ने प्रभु कृपा के भेद खोले, ज्ञान भक्ति नीति और वैराग्य से भर वचन बोले, फिर कहा लंकेश जा प्रभु से क्षमा की याचना कर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। कपि के वचनों को ना जाना दम्भी रावण ने जरा भी, होकर मद में चूर पावक पूंछ में कपि के लगा दी, होश में हुंकार भर निकले कनक लंका जलाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। वेदेही के दुख भरे वचनों को सुन बोले कपिवर, इतना अब विश्वास कीजिए आएंगे अतिशीघ्र रघुबर, लोटे ले चूड़ामणि सिया को कपि धीरज बंधाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। कपि ने दी चूड़ामणि अति हर्षित हुए धनुधर, जानकर सिया की व्यथा अश्रु भय नैनों से झरझर, कभी तुम्हारा ऋणी रहूंगा बोले हृदय से लगाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। फिर लगे प्रभु पूछने कपि तुमने कैसे लंका जलाई, बोले हनुमत नाथ इसमें कपि की क्या बड़ाई है, कुछ भी ना असंभव
प्रभु आपकी भक्ति को पाकर उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। प्रभु ने कहा, सुग्रीव बिना विलंब लंका को कूच कीजिए, वानर दल को साथ चलने की तुरंत आप आज्ञा दीजिए। ये सुनकर तब हुई वर्षा सुमन गगन से कर उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। प्रभु के इस प्रस्ताव का स्वागत किया सब कपिदलों ने, राम का जय घोष कर किया घोर गर्जन वानरों ने। डोले जल थल में हुआ कंपन उजागर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। लाख समझाया स्वामी को मंदोदरी ने, पराई नार का लाना ना देगा तुमको जीने। याद नहीं क्या कर गया चेतावनी दे एक बानर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। मेरी मानो नाथ लौटा दो इसी क्षण जानकी को, ब्रह्मा शिव भी नहीं होंगे सहाय इस घड़ी तो। पर हटी ने सब दिए ये वचन हंसी में उड़ाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। जब मिला संदेश सागर तट कपी एक सेना है आई, एक मंत्री गणों की सभा रावण ने तुरंत बुलाई। वो सभा कैसे चले जहां मूरख स्वामी और मूरख चाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। मंत्री गुरु और वैद जब वचनों में मीठे रस को घोले, घोले अपनी वाणी में वह स्वार्थ और भयवश ही बोले। तुरंत धर्म तन राज्य नष्ट होते जानो इस धरा पर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। बुद्ध पुराण और वेद की नीति विभीषण ने बखानी, सुमति से सुख सुमृति कुमति से होती है हानि। सकल कुल का विनाश होगा तात प्रभु से शत्रुता कर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। भ्राता मेरी विनय सुन, मान और हट को तजिए, राम को प्रभु मानकर उन चरणों को भजिए। वो अनादि अनंत अपनाएंगे तुमको दया कर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। भाई के अमृत वचन दशमात ने बिल्कुल ना माने, वे लोभ मोह अहंकार का भरा क्या इनको जाने। तीनों चरण पर हार रावण भ्रातर गौरी भक्त पाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। मन में दुख और शोक गर्जा और विभीषण लंक त्यागी, राक्षस आयुहीन भय वेब बिना रावण अभागी। राम की पहुँचे संदेह कपिका मिटाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। सजल नेत्रों से विभीषण ने सुनाई अपनी गाथा, राम से है मेरा प्रिय रावण का हूँ भ्राता। मेरी रक्षा कीजिए अपना ये रघुवर कृपा कर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। राम ने कहा, एव मस्तु निकट आसन पे बिठाया, नाम दे लंकापति का तिलक मस्तक पे लगाया। चरण गए हो विभीषण प्रभु से ये सम्मान पाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। शिव ने जो संपत्ति दसकंदर को दर्शाते हुए दी, राम ने वही संपदा विभीषण को सकुचाते हुए दी। हुए विभीषण भी गदगद राम के चरणों में जाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। दूत रावण के जो आए उन्हें भी अभेदान दीना, पादर्श श्री राम का गुणगान कर प्रस्थान कीना। दूत लंकादीश के हुए दूत राम के पास जाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। दूत से रावण ने पूछा, बोलो क्या समाचार लाए। दूत ने कपियों की शक्ति और राम के सब गुण गिनाए। बिनती की लौटा दो सीता प्रभु करेंगे तुम्हें क्षमा कर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। विनती उन दूतों की निठुर रावण के मन को ना भाई, पत्रिका सुनकर लक्ष्मण की उसको फिर भी सुध ना आई। मान में डूबे दशानन को कहाँ काल का डर, उड़ चले हनुमान करने पार
संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। विनती उन दूतों की निठुर रावण के मन को ना भाई, पत्रिका सुनकर लक्ष्मण की कपटी को सुध ना आई, मान में डूबे दशानन को कहाँ काल का डर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। तीन दिन बीते बिनती सागर ने ना मानी, भय बिन प्रीत न हो बोले राम क्रोधवानी, बान सादा तुरत आया विप्र का रूप धर सागर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। सागर की मर्याद राखी उसकी पीड़ा को मिटाया, नील नल का सिंधु पर सेतु बनाना मन को भाया, लौटा सागर निज भवन श्री राम की वंदना कर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। मानस का ये पांचवां सोपान तुलसीदास गाया, राम का सुंदर चरित्र कली मन हरन मन को भाया, प्रभु कृपा का पात्र बन मैं इस गाथा को गाकर, उड़ चले हनुमान करने पार संयोजन का सागर, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। सकल सुमंगल देत है पठन श्रवण गुणगान, भव सागर में तरत है भक्त बिना जलियान, एही कारण तुलसी दियो कांडव सुंदर नाम, लीला शंकर सुवन की संवरे राम के काम, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान चंद जी की जय।